बार जीत चुके हैं, मतलब दोनों टीम को हरा चुके हैं। कल तीसरे की बारी है, कल नहीं सॉरी फर्स्ट को, उसके बाद फाइनल जीतना है हमको। तो चारों मैच जीतेंगे तो हम लोग ट्रॉफी लेके आ जाएंगे फाइनल। मेहनत तो हम लोग 15 साल से कर रहे हैं क्रिकेट पे, जो दिलीप अग्रवाल है उनकी हमारी है, और एक सब जो प्लेयर्स है काफ़ी सारे इसमें जो खेल रहे हैं, 10-15 प्लेयर है, शरद केलकर है, सलील अंकोला है, जय भानुशाली है, वरुण वडोला है, पुनीत सचदेवा है, जय भानुशाली का नाम ले लिया, करण भाई, करण भाई यहाँ अभी वो लोग सब ज्वाइन हुए, अभी नए नए कुछ अच्छे प्लेयर्स भी आए, शिव नारायण, अभिषेक कपूर, तो बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स है क्या कर रहे हैं। तो वो सब बॉक्सी बॉयज़ में थे, तो बॉक्सी बॉयज़ नाम की एक टीम थी जो एक्टर्स को, मतलब सारे एक्टर्स जो है उसमें क्रिकेट खेलते थे और अच्छे लेवल का क्रिकेट खेलते थे। मैं यही ऐड करना चाहूँगा कि हमने बहुत अच्छी प्रैक्टिस की और वी आर वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट विनिंग द टूर्नामेंट। और हमारे प्लेयर्स सब नेचुरली इतने अच्छे हैं और सब ने इतने अच्छे से प्रैक्टिस किया है कि हमें लगता ही नहीं कि कोई टीम हमारे सामने टिक भी सकती है। सी BCL इज टोटली डिफरेंट, मीन्स उसके साथ तो इसका कोई कंपैरिजन है ही नहीं, बिकॉज दिस इज ओरिजिनल क्रिकेट एंड BCL इज जस्ट फॉर फन। तो बट वी एंजॉय BCL ऑल्सो। जैसे कि मैंने कहा BCL तो वो सॉफ्ट बॉल से खेलते हैं, लेकिन हम लोग जो मैंने जिसके भी नाम लिया अभी थोड़ी देर पहले, जितने एक्टर्सों के मतलब नाम लिए, वो सारे हम लोग लेदर बॉल पे बहुत सालों से खेल रहे हैं, प्रोफेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं, ग्राउंड में जाके खेल रहे हैं, सुबह उठ के खेलते हैं, तो ये सारा हम लोग खेल चुके हैं जो काफ़ी सारे ऐसे प्लेयर्स है। और कुछ कुछ लोग जो है वो BCL से भी आए जो अच्छा क्रिकेट खेलते हैं और वो उन्होंने कभी ना कभी लेदर बॉल से खेली हुई है क्रिकेट, तो उनके लिए ईजी हो जाता है मतलब इस टूर्नामेंट में अभी खेलने के लिए। स्ट्रॉन्गेस्ट कॉम्पिटिटर मुझे लग रहा है वो दोनों मैच हार चुके हैं, चेन्नई वाले, उनकी टीम अच्छी है लेकिन ऑन पेपर मतलब वो सारे अच्छे प्लेयर्स भी है, अच्छे बॉलर्स हैं उनके पास, 2-3 बैट्समैन भी अच्छे हैं, लेकिन वो लोग दोनों बाय डिफ़ॉल्ट जैसे भी अभी दोनों हार चुके हैं। हमें बहुत उम्मीद थी चेन्नई से कि चेन्नई बहुत टूर्नामेंट में अच्छा खेले क्योंकि उनके पास एक से एक अच्छे प्लेयर्स थे, बट अब अगर चेन्नई को छोड़ दिया जाए तो आई थिंक अहमदाबाद इज़ बेटर टीम। हाँ, अहमदाबाद भी अच्छी है ऑन पेपर, उनके और 2-3 प्लेयर आ नहीं रहे और एक उनका एक प्लेयर इंजर्ड हो चुका है, उसके पैर में बेचारे के फ्रैक्चर आ गया, रक्षित पंत। हाँ, वरुण वडोला है उनकी टीम में, अच्छे ऑलराउंडर है, पुनीत सचदेवा है, वो लोग आ नहीं रहे, वो लोग कहीं बाहर गए शूटिंग की वजह से या कहीं पता नहीं बिजी है तो वो लोग आ नहीं पाए, तो वो टीम भी अच्छी है। अभी फ़िलहाल तो हम ही अच्छे हैं और हम ही जीतने वाले हैं। थैंक यू। अच्छा लग रहा है ना? बहुत अच्छा लग रहा है एक्चुअली, एक्सपेक्ट नहीं किया था, ऐसे लगा था कि क्यों एक्सपेक्ट नहीं किया था क्योंकि जैसे आप एक टूर्नामेंट के अंदर जाते हैं तो आपको पता नहीं है कि सामने वाली टीम की स्ट्रेंथ क्या है और कैसे कैसे मैच होगा और कैसे फाइट होगी, लेकिन अच्छी फाइट हुई एंड हमें रियलाइज हुआ कि हमारी टीम काफ़ी अच्छी है और अच्छी फाइट दे सकती है बाकी टीम्स को एंड हम जीत गए। अच्छी फाइट क्या, आप लोगों ने तो मतलब चकनाचूर कर दिया, 10 विकेट से आप जीत रहे हो, लेकिन इस बात पे हमने कभी घमंड नहीं किया ना। हाँ, हमने घमंड नहीं किया, वी आर वेरी डाउन टू अर्थ, हमेशा एकदम शांति से खेलते हैं, यूनिटी बना के चलते हैं, है ना, प्रैक्टिस करते हैं और हम हाँ बिल्कुल जैसे भाई एकदम बिल्कुल, तो ये बात है। नहीं, वो तो क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है, जो टीम अच्छा खेलेगी वही जीतेगी, बट हमारी टीम काफ़ी अच्छा खेल रही है, अभी तक सारे मैचेस जीतते आए हैं, आई होप फाइनल भी हम जीतेंगे। यस डेफिनेटली, है ना। नहीं, आई थिंक जैसे एज प्लेयर्स क्या होता है दैट इम्प्रूवमेंट तो हर फील्ड में लगती है, मतलब हर गेम में कुछ ना कुछ, जैसे पिछले गेम में ऐसे लगा था कि हमारे एक्स्ट्रा ज़्यादा हुए थे पहले गेम के हिसाब से, तो छोटी मोटी चीज़ें हैं, बट अच्छी बात यह है कि हमारी टीम में यूनिटी बहुत है और सब एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और एक जाते हैं, हर गेम को एक टीम की तरह ही अप्रोच करते हैं, कोई ऐसे आपस में कोई बैर नहीं है, बिल्कुल सब मस्ती करते हुए अच्छी तरह खेलते हुए। हाँ, फनी है और
बड़े कूल रहते हैं, बहुत कूल हैं, बहुत कूल हैं। एंड ही इज आई थिंक ही इज अ वंडरफुल कैप्टन। मतलब सबको एक कैप्टन का होता है कि वो सब पूरी टीम को साथ में लेके चले, और वो रोल शरद का है। और उसने बहुत कप्तान का जर्सी नंबर 7 है, तो आपको लगता है कि आपका कप्तान धोनी के बराबर है कि कैसे? धोनी के बराबर नहीं, लेकिन हमारे कैप्टन कैप्टन के बारे में कुछ मत कहिए हमें। क्या हाँ, वो धोनी की तरह कूल है, कूल। विकेट कीपिंग भी करते हैं कभी कभी। अभी आप वर्ल्ड कप आ रहा है 50 ओवर का जो, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है, कौन जीत रहा है इस बार वर्ल्ड कप? मेरे हिसाब से बहुत टफ फाइट होने वाली है, सारी टीम्स बहुत बहुत स्ट्रांग है। टॉप फोर में देख रहा हूं, मैं एक अंडरडॉग के बारे में बात करना चाहता हूँ, वो है वेस्ट इंडीज की टीम। ये टीम कुछ भी कर सकती है, अगर उनका दिन होगा ये बड़ी से बड़ी टीम को हरा सकती है और शायद वर्ल्ड कप भी ले जा सकती है। ऑफ कोर्स इंडिया, और दूसरी साथ में फाइनल खेलने के लिए चाहिए तो इंग्लैंड। इंग्लैंड, अच्छा इंग्लैंड। थैंक यू, थैंक यू। क्या इंटरव्यू, क्या कहना चाहेंगे सर, बैक टू बैक जीतो? वहां देख के बोलना, आपको देखिए अच्छा सर, हमने मेहनत, मतलब मैंने नहीं, इन लोगों ने बहुत मेहनत करी। अरे यार, तो हमारी टीम जीत गई है दो मैच, एंड वी आर लुकिंग टू विन द फाइनल्स, दैट्स द प्लान। आई थिंक मेहनत के साथ साथ द बेस्ट थिंग जो हमारा रहा है स्ट्रेंथ, मैं ये नहीं कहूँगा कि बाकी टीमों में नहीं था, बट हमारी टीम का बॉन्डिंग, टीम वर्क, एवरीथिंग वाज फाइन। पुरु वाज ट्रैवलिंग अलॉट एंड एवरीथिंग, ही वाज नॉट एबल टू कम फॉर द प्रैक्टिस, लेकिन उसके बावजूद डे वन पे आने के बावजूद ऑन द ग्राउंड ही वाज अमेजिंग, एंड आई थिंक दिस इज दैट्स व्हाई इट मेक्स मुंबई एसेस बिग चैंपियन, एंड दैट्स व्हाई वी आर इन द फाइनल्स। और ट्रॉफी तो हम ही उठाएंगे। तो अभी आप लोग तो फाइनल में पहुंच चुके हैं, तो अभी आपको क्या लगता है कि बाकी तीन टीमों में से कौन सी टीम आ सकती है आपके सामने फाइनल में? हमें क्या फर्क पड़ता है, हमें एक्चुअली कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम लोग अच्छा क्रिकेट खेल रहे हैं। yeah. But still by the end of the day it's whoever plays the good better cricket, cricket yeah, yeah better cricket win, they'll yeah. win तो but दूसरी टीम कौन सी ऑन पेपर आपको मतलब स्ट्रांग लग रही है? आई थिंक इसमें जो भी कैलकुलेशन हमने करी है कल, ये मतलब द थिंग दैट वी सी पॉइंट्स टेबल के हिसाब से, चेन्नई दोनों मैच अपने हार चुकी है, सो दे आर वेरी डिपेंडेंट कि अहमदाबाद हमसे नेक्स्ट मैच जीतती है या नहीं। अगर अहमदाबाद हमसे जीतती है, एक्चुअली सब लोग इक्वल क्रिकेट खेले हैं, हम लोग एक्चुअली दोनों मैच में थोड़े अच्छा परफॉर्म किए हैं, तो मुझे लगता है कि सब एक्चुअली सारी टीम्स इक्वल हैं, तो एज सच कुछ हाई नोट पे कोई नहीं है, तो जो भी आएगा इट विल बी अ टफ फाइट होगा। हां, इट विल बी अ टफ फाइट। कहीं ना कहीं प्रैक्टिस से एक अहम रोल प्ले किया आप लोगों, मुंबई की बात करते हैं तो जब भी सर से बात होती थी, सर ये बोलते थे कि मेरी लगभग पूरी टीम आ रही है प्रैक्टिस के। तो बेस्ट पार्ट ये मुंबई की ये रही है कि बिकॉज ऑफ शरद, मतलब कम से कम 80% ऑफ द पीपल हैव प्रैक्टिस्ड अ लॉट, वेयर एज द रेस्ट ऑफ द टीम, मोस्ट ऑफ द पीपल हैव नॉट प्रैक्टिस्ड कंपैरेटिवली, दे ट्राइड बिकॉज एवरीवन इज बिजी विद देयर वर्क, तो वो कोशिश कर लेते हैं, बट मुंबई बिकॉज ऑफ शरद, उसकी कमिटमेंट की वजह से, उसकी बात करने की वजह से सब लोग आ जाते थे प्रैक्टिस में शूट के बाद भी। या आई थिंक ही इज बीन द एंकर फॉर द टीम एंड ही इज होल्डिंग द टीम टुगेदर, एंड या द रेस्ट ऑफ द टीम एक्चुअली रिएक्टिंग प्रीटी वेल टू इट। सर ग्राउंड के बाहर काफी फनी, हम ये बोल सकते हैं फन करते हैं, दोस्तों से बातें करते रहते, हंसते रहते, ग्राउंड के अंदर किस तरह से रहते हैं? शरद, हाँ वो वैसे ही रहते हैं ग्राउंड के अंदर भी, वैसे ही हैं। नो प्रेशर टू द टीम, मतलब कोई प्रेशर नहीं है टीम पे, हम लोग सब एक्चुअली एंजॉय करते हैं क्रिकेट। या तभी मेरे ख्याल से हम दोनों मैच जीत गए और हम फाइनल में। अब वर्ल्ड कप भी स्टार्ट होने वाला है, क्या कहना चाहेंगे? इंडिया जीत जाएगी। टॉप 4 में किसे किसे देख रहे हैं जी? टॉप 4 में मुझे लगता है इंडिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया एंड ऑस्ट्रेलिया। यस, ऐसा लगता है इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया 3-4 श्योर, बाकी फोर्थ इज गोना बी अ टफ फाइट। ऑस्ट्रेलिया, हाँ ऑस्ट्रेलिया, और मे बी हो सकता है वेस्ट इंडीज का भी चांस है, उसने बहुत अच्छा खेला अभी कल, आई थिंक 421 मारे हैं, 421। अफगानिस्तान भी बहुत अच्छा क्रिकेट खेल रहा है, ऐसे तो सारी टीम अच्छा खेल रही है, पॉइंट वही है कि एसीबी की तरह वहाँ भी वर्ल्ड कप में भी सब अच्छा खेल रहे हैं, लेकिन जो टॉप फोर बोला, इंडिया, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, ये तीन तो हैं, बाकी चौथा लेट्स सी, इज गोना बी अ टफ फाइट फॉर श्योर। थैंक यू सो मच, एंजॉय द पार्टी, चल भाई पार्टी करें। बैक टू बैक विंस डेफिनेटली बहुत अच्छी लगती है, बट स्टिल टू मोर मैचेस टू गो, टू मोर मैचेस टू गो, एंड फाइनल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैच फॉर अस, एक्साइटेड फॉर द फाइनल्स एंड आल्सो वन ऑफ द मैच जो से पहले, और अभी तक तो यार मजा आ रहा है, वी आर प्लेइंग एज अ टीम फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड या वी आर एक्साइटेड फॉर द मैचेस। दो मैच हो चुके हैं, फाइनल में पहुंच गए, कल का मैच कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंस प्ले
डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है यार, फाइनल के पहले एक मैच अगर हम हार के जाएंगे तो एग्जैक्टली अच्छा नहीं फील होगा, तो सारे मैच जीतना चाहिए. एवरी मैच इज इंपॉर्टेंट फॉर ओवर. सॉरी बेंच स्ट्रेंथ हमारी बहुत सॉलिड है, और हमारे कप्तान जो है शरद केलकर जी वो बहुत अच्छे से लीड करते हैं, टीम का यूनिट बना के चलते हैं, वही हमें हेल्प करता है. We are blessed to have him in our team as a captain. अभी कुछ गलतियाँ हैं, अभी पूरा परफेक्ट टीम तो नहीं बने हम, वी आर स्टिल वर्किंग ऑन इट. या और इसलिए दो और मैच जीतने हैं तो उनको भी सही करना पड़ेगा. Exactly. Definitely रंग लाई है. Nets की वजह से like we are playing in a proper form I guess. और आई थिंक सबसे ज़्यादा हम ही लोगों ने एक्चुअली प्रैक्टिस की वजह से ही, एक तो गेम भी अच्छा होता है और टीम भी यूनाइट प्रैक्टिस की वजह से ही होती है. एंड आई नो वी आर प्लेइंग एज अ टीम, एवरीवन नोज एक दूसरे की वीकनेसेस स्ट्रेंथ एंड आई गेस बिकॉज ऑफ दैट टच वुड वी आर प्लेइंग गुड. ओ यस, बस इंडिया भी अगर टीम की तरह खेलेगी तो हमारी तरह जीत ही जाएगी इंशाल्लाह. इंशाल्लाह माशा. टॉप फोर में मैं देखता हूँ इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और वेस्ट इंडीज. एग्जैक्टली फॉर मी इंडिया, वेस्ट इंडीज एंड आई थिंक श्रीलंका एंड ऑस्ट्रेलिया. यही मेरा दोस्त मत खा गया. इट्स ओके, लेट्स सी, आपस में हम लोग नहीं झगड़ने वाले फॉर दिस. या थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. राजा भाई रोल रोल. अरे बड़े मज़ा आ रहा है, मुंबई से हमारी दो मैच जीत के फाइनल में आ गई है, सो क्वाइट हैप्पी विद दैट. और एक उम्मीद थी कि हम लोग ऐसा कुछ करेंगे और हमने वैसा कुछ कर दिखाया, सो इट्स टाइम टू सेलिब्रेट. और आज हमें यहाँ सेटेलाइट में आया है अपनी पूरी टीम के साथ, और बॉयज़ गॉन एन्जॉय, दे हैव डन वेरी वेल. सो मैं थोड़ा लेट आया हूँ, फैमिली वाले लोग थोड़ा सा लेट आते हैं, मैं क्लबिंग करता नहीं होता था तो, बट मज़ा आएगा. हमारे ओम जी आ गए, हमारे स्पॉन्सर हैं. क्या कहना चाहोगे भाई? सब वेट कर रहे हैं अंदर मेरी टीममेट्स. हमको तो पता था, हम डे वन मैंने जानबूझ के टाइम ऐसा रखा था लोगों के बोलो जल्दी पहुंच जाए मुझसे, बिकॉज नॉर्मली ऐसे सब लेट आते हैं काफ़ी लोग, फिर आप लोगों को तकलीफ होती है. मैंने कहा सब टाइम पे आ जाएं, मैं सबसे लास्ट में ऐसे ही फाइनल आके 100%. मैं हमेशा बोलता हूँ कि मेरे जितने मेरे साथी कलाकार हैं और प्लेयर्स हैं मेरी टीम में, वो बहुत सपोर्टिव हैं, डिसिप्लिनड हैं, जो जो इंस्ट्रक्शंस मिले उन्होंने फॉलो किए. एज अ कैप्टन जितना मैं उनको मोटिवेट कर सकता था मैंने कोशिश की, एंड दे ऑल आर वेरी स्वीट यार. मतलब बिल्कुल उन्होंने वैसे ही फॉलो किया जैसे मैंने सोचा था, एंड रिज़ल्ट आपके सामने है. मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर प्रैक्टिस अच्छे से करो तो रिज़ल्ट अच्छा ही आएगा. सो फाइनली बी वन. नहीं नहीं, तारीफ़ नहीं, देखिए एक तो क्या है कि थोड़ा सीनियर उन लोगों से तो शायद मेरी बात सुन लेते हैं वो लोग, बट नहीं सबके अंदर पोटेंशियल है बहुत ज़्यादा. बट ये क्या है कि हम नॉर्मली पोटेंशियल टैप नहीं करते हैं, वो टैप करने वाला चाहिए होता है, तो वही काम किया. बाकी सब अपना अपना गेम खेल रहे हैं, किसी को सिखाने की ज़रूरत नहीं, सब अच्छे प्लेयर्स हैं. तो मैंने सिर्फ थोड़ा सा एक दिमाग वाला काम किया, बाकी कुछ नहीं किया. हाँ नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं. क्या होगा देखिए, क्या होगा अगर हम लोग उसको प्रैक्टिस मैच की तरह खेले तो कहीं ना कहीं जो दो टीम हारी है जिनके पास अभी भी चांस है फाइनल में आने का, अगर हम इसको प्रैक्टिस मैच की तरह ईजी ले लिया हमने और अगर हम हार गए गलती से या कुछ ऐसा हुआ, तो पक्का वो दो टीम जो है वो हमें बहुत बद्दुआ देने वाली है, बिकॉज उनके लिए आई थिंक सही नहीं होगा, बिकॉज दे ऑल प्लेड वेरी वेल एंड दे ऑल डिजर्व टू विन द फाइनल. तो हम इस गेम को भी उतना सीरियसली लेंगे जितना पहले गेम लिए हैं, एंड वी विल ट्राई टू विन द थर्ड. लेट्स सी ऑन द ग्राउंड क्या होता है, चेंजेस करने नहीं करने, या कोई इंजर्ड है या कोई नहीं है. बट हाँ, मैंने कोशिश की कि मैं हर एक को चांस दूँ खेलने का जितने प्लेयर्स हैं, सो होपफुली इस बार भी ऐसे ही कुछ होगा. बिल्कुल, फाइनली अच्छी शुरुआत हुई, इंडिया ने एक मैच जीता है और अच्छा स्कोर किया है. स्पेशली दो प्लेयर्स जो जिनसे जिन पर बहुत ज़्यादा दारोंदार हैं, कैप्टन कूल एंड राहुल, दोनों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है. एंड होपफुली हम टॉप फोर में, मुझे लगता है ऐसा कि इंग्लैंड 100% दे आर द बेस्ट. इंग्लैंड है, फिर इंडिया है, मेरे हिसाब से न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज़, ये चार टीमें लगती हैं मुझे कि शायद सेमीज में. मुझे नहीं लगता, मतलब मेरा पर्सनल है बहुत बहुत, बिकॉज के 9 मैचेस हैं. पहले के फॉर्मेट्स अलग थे, पहले 4 ग्रुप होते थे,
तीन मैच खेलने हैं फिर आप आगे पहुंच जाते हो। अभी 9 के 9 मैच खेलने हैं आपको हर एक के साथ, और एक भी मैच हल्के में नहीं लेना है, तो आप जितने पॉइंट्स बटोर सके उतने बटोरने हैं। तो आई थिंक टफ कॉम्पिटिशन होगा इस बार, इतना ईजी ये जो इस बार जो फॉर्मेट है वो आई थिंक ईजी नहीं है। बस सर हम तो अपनी टीम के बारे में जानते हैं, हमारी टीम के धोनी है सर सबको लेके चलते हैं, और बेस्ट पार्ट हमारी टीम का ये है कि सारे लोग, कोई भी नेगेटिव बातें नहीं करता, सारे लोग फोकस्ड रहते हैं, हम लोग फोकस्ड हैं, प्रैक्टिस पे टाइम पे आते हैं, मस्ती भी बहुत करते हैं हम लोग। हाँ हम मस्ती पूरी करते हैं, मस्ती भी पूरी करते हैं, हमारे ऐसा नहीं है कि मतलब मस्ती अलाउड नहीं है, स्ट्रिक्ट है। हम रेस्टोरेंट्स में भी जाते हैं, टीम मीटिंग करते हैं, खाना खाना करने हैं, टाइम पास बैठते भी हैं साथ में काफ़ी देर तक, गप्पे भी बहुत मारते हैं। सो एक अच्छा एक टीम एटमॉस्फेयर है जो मुझे लगता है किसी भी हेल्दी और एक अच्छा परफॉर्म करने टीम में होना चाहिए, तो वैसा है।